एक थे कृष्ण शंकर शास्त्री, अहमदाबाद के पास एक 16 जगह है। 1961 rather 54 में ही डिसाइडेड टू कंपाइल ऑल द कमेंट्रीज ऑन भागवत। ही मेड ए ट्रस्ट और बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने कंपाइलेशन शुरू किया और ये कंपाइलेशन 16 वॉल्यूम में इस तरह के। अच्छा, इसी तरफ 16 वॉल्यूम, इस तरह के 16 वॉल्यूम सर। एंड इट हैज ऑल द संस्कृत कमेंट्रीज एट दैट टाइम, बाय दैट टाइम अवेलेबल। अच्छा, एक श्लोक है, उसके बाद सारी टीकाएं हैं। इसमें से जैसे मैं कुछ टीकाओं का नाम बताता हूँ आपको, एक श्लोक निकाल के फिर उसकी टीकाएं बताता हूँ आपको, कितनी टीकाएं। सबसे ऑथेंटिक टीका जो श्रीमद् भागवत की है वो श्रीधरी टीका मानी जाती है, वेदांत पर है, शंकराचार्य जी के वेदांत से संबंधित टीका है। श्रीधरी टीका लास्ट वर्ड मानी जाती है भागवत में, तो श्रीधरी टीका है। उसके बाद चूंकि वैष्णव लोगों को, तो वैष्णव लोग अद्वैत के अगेंस्ट में, जो मध्वाचार्य हैं माधवाचार्य कहते हैं, क्योंकि हमारा वेदांत क्या कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वो नापरा। और वो कहते हैं, मतलब उनका कहना ये है कि जीव ईश्वर और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उपाधि से अलग अलग है। हमारा वैष्णव दर्शन कहता है इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता कि जीव अपने को ईश्वर समझने लगे। ईश्वर हमेशा ईश्वर रहेगा, जीव हमेशा जीव रहेगा, इसलिए जीव को दास भाव से ईश्वर की सेवा करते रहना चाहिए, ना कि ईश्वर बनने का प्रयास। और शंकराचार्य जी ने यह कह दिया कि दास ही राजा है, ये सबसे बड़ा पाप किया। सो इसलिए दोनों का बिल्कुल तालमेल अलग है। लेकिन जितने भी विद्वान दर्शन के मूर्धन्य विद्वान है, उन्होंने एक मत से स्वीकार कर लिया है कि अद्वैत वेदांत के निष्कर्ष फाइनल है। वो तर्क और श्रुति और सम्मत किसी भी मत से कोई भी दर्शन उनको काट नहीं पाता है। इनफैक्ट अभी सबसे ये क्या बोलते हैं क्वांटम थ्योरी में भी यही आ रहा है। एंड सेकंडली श्रीधर और मधुसूदन सरस्वती, ये दोनों बहुत बड़े विद्वान थे, बट उतने ही विद्वान के साथ उतने ही बड़े भक्त थे। और इन भक्तों ने भी, कृष्ण भगवान के प्रबल भक्त होते हुए मधुसूदन सरस्वती जी ने, जिनका श्लोक हम हमेशा कृष्ण भगवान के लिए पढ़ते हैं कि वंशी विभूषित करा नव निजदावा, ये मधुसूदन सरस्वती जी का श्लोक है। अच्छा। और उस व्यक्ति ने वेदांत को अंतिम लक्ष्य के रूप में चुना, भक्तिपूर्ण बहुत ग्रंथ लिखे लेकिन उनको चरम निकष जो था वेदांत। तो ये तो इन्होंने इसमें से श्री सुदर्शन चूरी, श्रीमद वीर राघवाचार, विजय ध्वज, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी बेसिकली ये चैतन्य महाप्रभु के तीन पार्षद से समकालीन, जिन्होंने वैष्णव धर्म को बढ़ाया, जीव सनातन एंड रूप गोस्वामी। अच्छा, तो जीव गोस्वामी की टीका है, सनातन गोस्वामी जी की टीका है इसमें भागवत पे लिखी हुई। एंड देन गुढ़ार्थ टिप्पणी सुखदेव कृत कर सत्यधर्म कृत भागवत टिप्पणी, जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ, श्रीमद जीव कृत गोस्वामी कृत बृहत क्रम संदर्भ, श्री नाथ चक्रवर्ती पाद विरचित चैतन्य मंजूषा, श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थ दर्शनी, एंड देन गोस्वामी गिरधर लाल कृता बाल प्रबोधनी अन्वितार्थ प्रकाशिका, गोपाल आनंद मुनि विरचित निगूढ़ार्थ बल्लोहाचार्य जी कृत सुबोधनी, देन सुबोधनी सार, देन श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका, देन वंशीधर कृत भावार्थ दीपिका प्रकाश, देन श्रीमद जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी। So all these commentaries are there. So nahin, gadi wonderful document, this is, wonderful treatise. So when I started reading about Bhagavad, so I thought that I need one authentic book to read. Ultimate book. तो बहुत सारी किताबें हैं, मतलब जैसे सरल है भी है और कठिन भी है। इसका 16 है। इसका 16 वाली में। ये आउट ऑफ प्रिंट हो गया है। ये जो आप बोल रहे थे 15,000 रुपया, इसको ये तो 5,000 में लाया था, तब मैं गया था। 16 to 5,000 में? नहीं नहीं, ये तो 4-5 पार्ट था, उस समय उपलब्ध नहीं था, वो तो फोटो कॉपी था। अच्छा। तो मेरी भाई को पता नहीं है। तो वो जो है ना, ये जब मैं गया था सर, मैं एक 97 में एक ट्रेनिंग करने गया था बड़ौदा, तो मैं भागवत को ढूंढ रहा था उस समय, मुझे 97 में भागवत पढ़ने का शौक हुआ। तो वृंदावन में मैं आचार्यों के पास गया, विद्वान गोस्वामी लोग, तो मैंने कहा मुझे भागवत पढ़नी तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं आपके पास आके नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि वो अल्टीमेट बुक उपलब्ध है। तो मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद जाके एक टैक्सी हायर की, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था, 60 किलोमीटर टैक्सी हायर करके मैं गया और बड़ा रिक्वेस्ट करके वो उन्होंने उनको प्रूफ किया है कि मैं पढ़ने के लिए पात्र हूँ। तब सिर्फ दसम स्कंद की 6 भाग मुझे 5,000 रुपये के उस समय मिले 97 में, तो खरीद के लाया। और देन वो फिर इस तरह से,
तो अब भागवत का मेरे को बहुत मजा आती है पढ़ने में। श्री रामचरित मानस ने कल सुनाया उसमें भाव ज्ञान ब्रह्म तत्व सब कुछ मिला हुआ है। चलिए थैंक यू ना कोई दिखा मेरे मुझे ऑडियंस हो गया सर। थैंक्स थैंक्स। चाय अगर तो बहुत मीठी हो गई। नहीं नहीं ठीक है एकदम परफेक्ट है मजा है। ममता मैं चुप मीठी चाय पीता हूँ सर। नहीं नहीं छोड़िए ना सर अब तो चाय की बात हो रही है।